आप देख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी डन हेयर स्पा और यू कैन सी द रिजल्ट। बहुत सॉफ्ट सिल्की शाइनी हेयर बन जाते हैं आपके हेयर स्पा के बाद, और जो विजिबल डिफरेंस मुझे समझ में आया है आफ्टर यूजिंग दिस 2-3 टाइम्स, सबसे पहले हेयर फॉल, यस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं और साथ ही साथ न्यू हेयर ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गया है एंड सॉफ्ट सिल्की एंड बहुत ही अमेजिंग आपको टेक्स्चर भी समझ में आएगा कि आपके हेयर्स में कितना 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 ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइट। सो मैंने जो रेंज यूज़ की है अपने हेयर स्पा के लिए दैट इज मिल्क एंड हनी गोल्ड रेंज एंड ये ओरिफ्लेम की रेंज है। मैं सबसे पहले आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो दिस इज शैम्पू एंड ये क्लेम भी करता है फॉर रेडियंट सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर के लिए। इसकी जो पैकेजिंग है 250 ml की है एंड ये ऑफकोर्स हम शैम्पू के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए, जो शैम्पू होता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, सो रादर देन अप्लाइंग इट डायरेक्टली टू योर हेयर्स, आप मग में शैम्पू एंड वाटर का एक अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए, अच्छा सा लेदर फॉर्म हो जाएगा एंड देन अप्लाई इट इन योर स्कैल्प, राइट। ये आप शैम्पू यूज़ करेंगे एंड हमारे पास है ब्यूटिफुल सा कंडीशनर, अगेन मिल्क एंड हनी गोल्ड रेंज से, और साथ ही साथ हमारे पास है ये ब्यूटिफुल सा मिल्क एंड हनी हेयर मास्क। सो सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट के हेल्प से मैंने घर पे ही हेयर स्पा कर लिया है। लेट्स मूव टू द वीडियो। और राइट गाइस, तो सबसे पहले मैंने रात को कोकोनट हेयर ऑयल से अच्छे से अपने बारे में मसाज कर लिया था एंड दिस इज़ द बेस्ट कोकोनट ऑयल आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेटेड है। मुझे ऑयल अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकीनेस, वो स्टिकीनेस मुझे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन ये वाला जो ऑयल है दिस इज़ द बेस्ट वन। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अमेजिंग है एंड बहुत ही लाइट वेटेड, आपको लगाने के बाद पता नहीं चलता। सो आप शैम्पू करने से हाफ एन आवर 1 आवर पहले भी अप्लाई कर सकते हैं ऑयल, बट व्हाट आई प्रेफर इज़ ओवरनाइट अप्लाई करना। मैं रात को अच्छे से चंपी करके सो जाती हूँ एंड देन मॉर्निंग में मैं हेयर वॉश करती हूँ। सो कोकोनट ऑयल के बाद येस ऑफ कोर्स मिल्क एंड हनी शैम्पू, जिससे मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं एंड दिस इज बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी एंड दिस वन इज़ द बेस्ट हैव यूज़। बाद मैंने अभी शैम्पू कर लिया, हाफ एन आवर मुझे हो गए हैं एंड मेरे जो हेयर्स हैं वो कम्प्लीटली वेट नहीं है और कम्प्लीटली गीले भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 60-70% सूख चुके हैं। और फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों को कॉम कर लिया है क्योंकि अब हम अप्लाई करने वाले हैं हमारा हेयर मास्क और हम करने वाले हैं हेयर स्पा एट होम। सो यस, उसके बाद ये हेयर मास्क है, इसकी पैकेजिंग इस तरीके से बहुत ही क्यूट ये दिखता है। ये बिल्कुल ही न्यू पैकेज है, मैंने अभी ये ओपन किया है बिल्कुल आप लोगों के सामने एंड कुछ इस तरीके से ये है। सो मैं ये अप्लाई करूँगी, उससे पहले मुझे अपने बालों में पार्टीशंस बनाने हैं, राइट। सो सबसे पहले मैंने पार्टिंग कर ली है मिड से एंड देन हम अपने बालों में कुछ सेक्शंस क्रिएट करेंगे जिसके वजह से मुझे ये लगाने में आसानी हो, राइट। एंड मेरे बाल कम्प्लीटली ड्राइड नहीं है गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड बिल्कुल क्वांटिटी आपको थोड़ी थोड़ी लेके ही करना है। आप जो है बिल्कुल रूट से लगाना स्टार्ट करेंगे टिल योर टिप्स, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट किया है एंड साथ में ही मैं ये जो है बहुत अच्छे तरीके से टिप्स से आप मसाज करते हुए एंड अपने रूट से मसाज करते हुए अपने टिप्स तक आएंगे, राइट। सो छोटे छोटे सेक्शंस आपको लेने हैं एंड इस तरीके से आपको कुछ अप्लाई करना है सारी ही जगह, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं होती है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा हेयर मास्क और लूँगी और अपने बालों में रूट से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से मैं मसाज देने वाली हूँ, राइट। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि मसाज करने से हमारा कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल में यू नो काफ़ी कम हो जाता है और हमारे न्यू हेयर्स रीग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे अपने बालों को मसाज करना है आपके टिप्स से। मसाज करने के बाद आप कुछ इस तरीके का हेयर बैंड लेंगे एंड अपने सारे बालों को बहुत अच्छे से टाई कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने टाई कर लिया है ऑलरेडी। नाउ अब है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की बारी, दैट इज़
स्टीम, अपने वालों को स्टीम देना. सो गाइज यहाँ पे पहले मैं टॉवल यूज़ करती थी गर्म पानी में डाल के, अच्छे से स्क्वीज़ आउट करके अपने बालों में लपेट लेती थी. बट अभी मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक के थ्रू चलता है. आपको ये प्लग में इंसर्ट करना होता है एंड देन ये अपने बालों में रखना होता है. सो लेट्स डू दिस. इसका जो लिंक है ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ोन से. इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं. मैंने ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है. सो यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया है एंड आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो गई है. ये इसके आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो अभी ये कम्प्लीटली 5 to 5 minutes लगेंगे इसको हीट होने में. उसके बाद ये आप अपने बालों में एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एडजस्टमेंट का दिया हुआ है. सो विल वेट फॉर 5 minutes फर्स्ट. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लगा लिया है एंड एडजस्ट कर लिया है सारे बालों को अंदर करके. एंड बहुत अच्छे तरीके से ये हीट हो रहा है. आपको 5 to 10 minutes के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है. आपको स्टीम लेना है, उसके बाद आप करेंगे बहुत अच्छा सा वॉश, हेयर वॉश. एंड इस टाइम आपको कोई भी किसी भी तरीके की शैम्पू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसके बाद कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, या आप जो भी यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं. सो इट इज़ अ सिंपलेस्ट हेयर स्पा जो कि आप घर पे कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव दिस, आप टॉवल के हेल्प से भी कर सकते हैं. टॉवल को गर्म पानी में डालिए, स्क्वीज़ कीजिए एंड अपने बालों में लगाइए. लेकिन येस, आपको आफ्टर 5 minutes फिर से उसको अगेन गर्म पानी में डालना होगा और फिर स्क्वीज़ करके लगाना होगा. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आई हैव गॉट. एंड यहाँ पे घर पे मैंने बहुत अच्छा सा हेयर स्पा कर लिया है. सो सिर्फ 3 प्रोडक्ट के हेल्प से एंड येस कोकोनट ऑयल. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. मैं ज़रूर से अपना शेयर करूँगी कि किस तरीके से मुझे मेरे बालों में रिजल्ट और इफेक्ट मिला है कुछ दिनों बाद. ये अभी मैंने सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन है मेरा, तो मुझे अभी से डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो चुका है. लेकिन ज़रूर से मैं अपने रिव्यू शेयर करूँगी और कुछ टाइम अप्लाई करने के बाद कि मुझे क्या डिफरेंस पता चल रहा है. और साथ में ओमेगा 3 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपकी डाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे आपके बालों के लिए. सो थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और सारी चीज़ों की लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. आपको अगर ये प्रोडक्ट परचेस करने हैं तो आप मेरे लिंक पे जाके परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड यू विल गेट इमीडिएटली 10% डिस्काउंट. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.